आज 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। आज का विषय रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग में मीडिया। हमेशा से परिवर्तन होता रहा है, समय के साथ हर परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित करके आगे बढ़ना ही बेहतर होता है, अच्छा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की जरूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें हम पर्सनली नहीं हो पाते। सॉरी, जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारे सर्जरी होते हैं जिसमें इंसान के हाथ के कांपने की गुंजाइश हो सकती है, उसे रोबोटिक सर्जरी करा देते हैं और वो बड़े आराम से पेशेंट ठीक हो लेते हैं। जैसे बहुत सारे हजार्डस आपके कारखाने हैं या कुछ भी है, वहाँ पे आप रोबोट से काम करा सकते हैं। लेकिन यह बढ़ते बढ़ते हर फील्ड में बढ़ता जा रहा है, रोबोट इंसान नहीं हो सकता, इसे मानना पड़ेगा। उसे जितने चीज़ें फीड की जाएगी उसके अनुसार वह अपना अगला स्टेप लेगा, उसके अनुसार वह अपना आगे का काम करेगा। उसमें संवेदना नहीं हो सकती, इस बात को याद रखना है। और मीडिया हमेशा एक संवेदनशील मुद्दे को उठाता रहा है, संवेदनशील तरीके से चीज़ों को रखता रहा है। मीडिया के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि जैसे एंकर्स हैं, हो सकता है वॉइस ओवर में आदमी की कमी कर दी जाए, छटनी हो जाए और कम आदमी से ज़्यादा काम करा लें। लाभ वहाँ पर है, वैसे जगहों के लिए जहाँ ज़्यादा लोगों को हम नहीं रख पाते हैं तो कम आदमी से भी काम किए जा सकते हैं। मगर इसका वह भी हो सकता है कि मान लें एक न्यूज़ है, एंकर पढ़ रहे हैं, इसी बीच उसका एक अपडेट आ जाता है और होता है इसे तुरंत देना है, तो वह रोबोट नहीं बोल सकता है, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बोल सकता, क्योंकि वह प्रायर उसमें फीड किया हुआ नहीं है। तो एंकर की ज़रूरत तब भी होगी। और संवेदनशीलता तो वे ला नहीं सकते हैं, जो हम कहते हैं कि फील्ड में जाकर, स्पॉट पर जाकर आप उसे कवर करें, वह स्पॉट पे जाकर कवर नहीं कर सकेगा। वह अपनी संवेदनशीलता के साथ उन बातों को नहीं पूछ सकेगा, नहीं ले सकेगा। इसके लिए जो भी हमारे मीडिया के मित्र हैं उन्हें प्रिपेयर्ड होना होगा। हाँ, ये चैलेंज है कि वॉइस ओवर में कुछ लोगों की छटनी होती है या हो सकती है, तो अपनी क्षमता को वो बढ़ाते रहें और बेहतर करते रहें,